मुझसे गलती नहीं होगी, इस बार माफ कर दें। ओके, बाकी आप ये खुद फॉलो करें ना, आप पेपर भी है ना, पेपर भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड करना था, जिन्होंने टेलीग्राम में किया था उनसे फिर से बोल दिया था कि आप उसी में सेंड करें, उन्हीं की कॉपी चेक हो रही है। अगर आप कर दोगे तो कॉपी चेक नहीं हो पाएगी फिर आप। यस, क्वेश्चन नंबर अप टू 14 तक कोई डाउट? नो? यस, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों, टाइप करें एक बार यस, इससे मुझे पता चले, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ रहे हो आज। माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, गुड गुड गुड। अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट? नो? वेरी गुड। और लास्ट में अप टू क्वेश्चन नंबर 18 तक कोई डाउट? वैसे बोर्ड के पेपर है, डाउट तो कम होते हैं, बस आपको राइटिंग में जरूर आना चाहिए, राइटिंग पे वो आपने अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह किए हैं तो बहुत अच्छे से आते होंगे हमें। यस, क्वेश्चन नंबर 18 15 था, देखते हैं 15 क्या है। हाँ, 15 में करेक्शन है बच्चों ना, करेक्शन है, 15 में करेक्शन कर भी लेना आप। जहाँ पर ये है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 9 है, 9 माइनस 6 है, 6 प्लस 6x माइनस 5, 9x² + 6x - 5 ये करेक्शन था, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, बाई लेट कर लें और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। नंबर 18, ओके ओके। यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स। 18 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट या सेकंड? देख ले, दोनों दोनों इंट बता देता हूँ मैं, या एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको जी ऑफ एक्स से, तो एफ ओ जी ओ जी ऑफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर दे -3 से और 5 से, तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देख लें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एफ सच दैट फंक्शन गिवन है, आई आर, बच्चों आपको पता चल रहा है ना ये एक आइडेंटिटी फंक्शन था, तो आइडेंटिटी फंक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि एफ ओ जी जी ऑफ आइडेंटिटी का इनवर्स में होता है, तो बस इनवर्स फंक्शन था इसका, ये जी ऑफ एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, देन एफ ओ जी और जी ऑफ फाइंड कर सकते थे। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग की डेफिनेशन में, याद करो कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स है तो जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा मिल जाए तो ये जी ऑफ और एफ दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एनी अदर डाउट इन कंप्लीट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 2? आप कहते हैं 18। हाँ, टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का था, और उम्मीद करता हूँ कि सबके ऑलमोस्ट मार्क्स आपके 90+ ही आए, मतलब 90+ परसेंट स्कोर हो आपका, बाकी आसान था, 100% भी आप कर सकते थे। यस, और कोई डाउट बच्चों पेपर को लेके? पेपर बोर्ड के पेपर का डिस्कशन बस इतना ही होता है, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर करें और आपको वहां पर ये पेपर भी शेयर कर दिया जाएगा वहां। ओके, नाउ कंटिन्यू, अपन रेगुलर क्लास करते हैं। आज ITF का लेक्चर नंबर 4th है, और ऐसा जैसे मैंने होमवर्क गिवन किया था आपको एक्सरसाइज और 2.2, बच्चों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यह क्या हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड तो पढ़ रहे हैं, आसान भी होता है, इस वजह से हो सकता है आपको लेकिन बहुत ही आसान चल रहा है सब कुछ है, लेकिन आसान है तो फिर आपका स्कोर भी उसी अकॉर्डिंग आपका आना चाहिए। ओके, तो एक बार होमवर्क आप जरूर करते रहे ना, और अभी ना गोल्डन टाइम चल रहा है आपको ये कवर करने के लिए, एनसीईआरटी और भी कोई अगर साथ में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये टेबल है ना ITF के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको याद हो जानी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक, सेक, टेन, इन सबके इनवर्स की डोमेन और रेंज, और कुछ नहीं करना, अगर याद नहीं भी हो तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना, जैसे आप देख रहे हो मैं हर एक लेक्चर की स्टार्टिंग में टेबल अटैच कर रहा हूँ,
बाकी इस टेबल का काम हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही हो चुका था। क्यों? क्योंकि आप इसको बार बार देखें, हमारा साइंस भी बोलता है अगर 21 टाइम्स किसी को लगातार हम देख लें ना, तो उसका चेहरा या उस फॉर्मूला को हम कभी नहीं भूलते। तो आप है ना कुछ मत करो, 21 टाइम्स उसको देख ले लगातार और ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी आपको, राइट? तो आप याद रखें ITF के लिए, चाहे वो JEE हो या CBSE हो, दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेबल। उसके बाद मैंने होमवर्क में दिया था एक्सरसाइज नंबर 2.2। मैं वन बाय वन अगेन आस्क करूंगा आपसे क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो आप रेज योर हैंड करें अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये प्रूफ वाली क्वेश्चन है बच्चों, एक बार बता देता हूँ कैसे करते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, हाँ देख ले देख ले। जैसे आपको पता ना, आपको पता है आप साइन थीटा इज इक्वल टू, या RHS से स्टार्ट कर लें, फ्रॉम द RHS आप पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा करें, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वेरी गुड। तो आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin³θ, और 3 sin थीटा माइनस 4 sin³θ इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 3θ, राइट? साइन ऑफ 3θ, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, साइन साइन विल बी कैंसल आउट, क्या वैल्यू मिली? 3θ। अगेन 3θ मीन्स द थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज द LHS, हेंस ट्रू बेटा। आपको पता चला साइड में जो कुछ गिवन है ना डेटा, ये प्रूफ वगैरह कुछ करने की जरूरत है नहीं हमें, हमें पता है 3θ, इसकी वैल्यू आपकी -π/2 +π/2 होगी, तो थीटा की वैल्यू ना, थीटा की वैल्यू लिख दे लिख दे, 3θ की वैल्यू आपकी लाइज करेगी -π/2 +π/2, तो थीटा की वैल्यू लाइज करेगी आपकी 5/6 -π/6 5/6। और थीटा है क्या एक्चुअली? साइन बस ऑफ एक्स, तो अगर साइन थीटा इसका लेते हैं तो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू लाइज करेगी -1/2 +1/2 लाइज करेगी, राइट? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको बोर्ड वगैरह में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पार्ट प्रूव करना, ये पार्ट की बना, हाँ बोर्ड में ये लिखना है, बोर्ड का अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से ही प्रॉपर मेंशन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सिमिलर है, बस साइन की जगह कॉस रिप्लेस कर देना, आपको साइन की जगह कॉस रिप्लेस कर देना, सेम प्रूफ हो जाएगा। रेंज डोमेन वगैरह कुछ नहीं मेंशन करनी है यहाँ पर। अगर ये फॉर्मूला बेसिक याद जरूर होनी चाहिए, कॉस ऑफ 3θ की बात करें, यस, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ कॉस 3θ? बहुत सारे इसी में कंफ्यूजन होगा, 4 cos³θ -3 cos θ, ये ना तीनों फॉर्मूला आप लिख लें, cos³θ sin³θ sin³θ -4 sin³θ, सिमिलर दैट 10 3θ विल बी 3 10θ -10³θ अपॉन 1 -3 tan उसका थीटा। बच्चों को बताया था लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, जो पूछा गया था एक क्वेश्चन, वो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट इस फॉर्मूला बेस्ड था, इनवर्स का क्वेश्चन था, ITF 10 3x -x² अपॉन 1 -3x² गिवन था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क किया था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला भी आप मेंशन कर रहे हैं, 3 10θ -10³θ अपॉन 1 -3 tan उसका थीटा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेन का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला ना, अच्छा फॉर्मूला याद रखने के लिए वो ये मानता हूँ मैं, ये आपको याद होना भी चाहिए, टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टेन ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेन ए अपॉन 1 समेशन ऑफ टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला। और इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसा भी याद कर लेते हैं कि सर ये सिंगल सिंगल टर्म होती है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस, एक प्रोडक्ट में ट्रिपल टर्म्स आती है, तो सिंगल टर्म्स को हम डिनोट कर देते हैं s1 -s3 अपॉन 1 -s2। अब तो बिल्कुल फीलिंग आ गई होगी तुम्हें कोचिंग वाले, s1 -s3 अपॉन 1 -s2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। फॉर टेन थ्री डीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू
आप थीटा पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम टेन ऑफ थ्री थीटा। ओके, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जस्ट मैं यहाँ पर टाइम गिवन कर रहा हूँ, नोट कर लें तीनों फॉर्मूला, याद है तो भी अच्छी बात है और याद हो जाएंगे। ओके, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ डन, वेरी गुड, ये कर चुके थे क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं वन बाय वन अगेन है ना आपको शो करता चलूंगा, डाउट है तो आप बताएं, और मैं यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं क्योंकि बोर्ड है आसान है हम मानते हैं, लेकिन सॉल्व डाउट जरूर सॉल्व होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ डाउट है, यस यस नो, ओके हिंट बता देता हूँ, हिंट है यस नो का बीच का रिप्लाई। जब भी बच्चों 2 10x गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे चेंज करेंगे। हमने 2 10x का फॉर्मूला देख लिया था लास्ट लेक्चर में, 10x 2 10x ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बिकम 10 इनवर्स ऑफ 2 x अपॉन 1 माइनस 1/4, इसका स्क्वेयरिंग प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब आपका फॉर्मूला बन गया 10x प्लस 10y, अगेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, राइट, और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कभी भी आपको 2 10x गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10x में चेंज करेंगे, देन 10x प्लस 10y अप्लाई करेंगे, और ये सबसे आसान फॉर्मूला है बच्चों। जब भी इन केस आपको अगर साइन कॉस में भी गिवन हो तो भी आप बेटर है कि उसको 10 में चेंज कर लें, क्योंकि हमें एक ही फॉर्मूला की इसकी प्रॉपर्टीज भी लर्न होती है और यह फॉर्मूला भी आसानी से लर्न होता है। दो बार फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो हम यहाँ पर बोर्ड पैटर्न सीख रहे हैं बालक है, और बहुत अच्छी बात है आप दो बार फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं चाहता कि आप जुगाड़ बिठा हुआ, वो चाहता है कि मेरा CBSE या मेरा NCERT का मेथड फॉलो करो। ये मैंने हमारी जुगाड़ है कि हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लेकिन जब हमें फॉर्मूला बनाई दिया है हमारे लिए उसने 2 10x, तो बेटर है आप बोर्ड पैटर्न में जरूर फॉर्मूला अप्लाई करें। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, कोई नो डाउट आपका आंसर सेम ही आएगा, 10x प्लस 10y, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 10x इज इक्वल टू समथिंग। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक हम सॉल्व कर चुके हैं, डाउट नहीं होगा। सिक्स्थ, ये भी कर लिया था हमने सॉल्व। सेवंथ का बुक लो बर्बली, मुझे आंसर जरूर आप टाइप करें सेवंथ का क्या आंसर आएगा, क्योंकि तो इसमें अगेन वो फॉर्मूला यूज हो रहा है जो मैं चाहता हूँ, 10x√(1 − cos x/1 + cos x। आप इसका आंसर टाइप करें, कर सकते हैं, क्या ऐसा आंसर आएगा जिसका आंसर आप टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 टॉपिक में मिलेगा, इंटीग्रेशन, ITF, इंटीग्रेशन एंड एमओडीएम, और भी कई जगह मिल सकता है कैलकुलस में। यस यस KM, भव्या, आदर्श, सम अननोन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, गुड। आपको पता है 1 − cos θ, 1 − cos x, ये बच्चों ना ये आप यहाँ पर रिप्लाई जरूर किया करें अगर आपसे पॉसिबल है तो। इनकेस आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो दैट इज द नो इश्यू, बट अगर आप टाइप कर पा रहे हैं तो आप आंसर जरूर एंगेज करें। 1 − cos x अगेन फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 एंड 1 + cos x 2 cos² x/2। जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूले, इनको याद रखना ही रखना, 100 times यूज हो जाएंगे आपके कंप्लीट कैलकुलस में। 10 इनवर्स ऑफ
हमें पता चल गया रूट टू, रूट टू सर कैंसल आउट, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, टेन ऑफ एक्स बाय टू। मैं बता देता हूँ आपको अधिक जानकारी के लिए ना, अधिक जानकारी के लिए, तो यहाँ पर आपके माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर टेन बस ऑफ, वैसे तो मॉड एक्स आना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स बाय टू, जब भी कोई स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर निकलता तो मॉड में आता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, एक्स यहाँ पर गेवन है, बोर्ड वाले इतना फोकस नहीं करेगा, बट आपको ये पता जरूर होना चाहिए, इनकेस अपनी कंपटीशन क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस हो जाते हैं वहां पर। 0 to π एक्स गिवन है तो एक्स बाय टू की वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगी, और 0 to π/2 मुझे पता है टेन ऑफ एक्स बाय टू क्या, ये वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, टेन थीटा पॉजिटिव आता है, इसमें से मॉड ऑफ एक्स इसका पॉजिटिव में ओपन होगा और वैल्यू आपको एक्स बाय टू मिल जाएगी, वैल्यू आपको एक्स बाय टू मिल जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, इन केस ये साइड में नहीं गिवन था, और वहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे ना, डिफरेंशिएबिलिटी वहां पर चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो वहां पर दो आंसर मिल जाते हैं मुझे, एक माइनस एक्स बाय टू मिलता है और एक प्लस एक्स बाय टू मिलता है। लेकिन हमारी हैबिट इतनी बन चुकी होती है, हमें वो माइनस एक्स बाय टू दिखाई नहीं देता और हम डायरेक्ट प्लस एक्स बाय टू टेकते हैं और बोलते हैं आंसर इसका 1/2, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक तरफ माइनस 1/2 मिलेगा, अनदर प्लस 1/2 मिलेगा, एल एच डी आर एच डी नॉट इक्वल टू हो गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वहां पर एक कंडीशन भी काम आती है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई की किसी बच्चे ने सर, 0 to 2π होता तो नहीं दे पाए, तो आपका आंसर माइनस एक्स बाय टू और प्लस एक्स बाय टू दो आंसर आपको मिलते हैं। आप भी ना यहाँ पर दो ब्रांचेज में उसको ओपन कर देते हैं, फिर भी आप ऐसे ब्रांच को ओपन बनाते हैं उसको, 0 to π एक्स बाय टू आया सर आंसर, और पाई टू 2π समथिंग हमारा एक आंसर आएगा माइनस ऑफ एक्स बाय टू, दो ब्रांच में ब्रेक करना पड़ता है आपको इक्वेशन। ओके, लेकिन डोंट वरी, एनसीईआरटी में ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी वाला समझता है कि कंडीशन हमारी तरफ से सब कुछ सही है, आप बस आगे सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी फेमस क्वेश्चन है, देख भी चुके हैं इसको। कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें तो टेन इनवर्स ऑफ 1 - 10x बनेगा ऑन 1 + 10x, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, 1 - 10θ 1 + 10θ, टेन ऑफ पाई 4 - x, वेरी गुड, गुड गुड गुड। इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रल डेरिवेटिव दोनों भी फाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट, बस बेसिक इन टाइप करेंगे आप इस क्वेश्चन में कि एक्स की जगह में क्या रिप्लेस करो, एक्स की जगह में क्या रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स को क्या पुट करो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा, ए साइन थीटा कर सकते हैं, ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको दिख जाना चाहिए जहां भी हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो एक्स की वैल्यू में ए साइन थीटा पुट करता हूँ या ए कॉस थीटा पुट करता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आप कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए विल बी कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस विल बी 10, यस। नेक्स्ट, व्हाट द क्या एक्स की जगह क्या पुट करूं मैं यहां पर वैल्यूज, ए टेन थीटा, बहुत ही बड़े बहुत ही, आदर्श पारिता, दीपांशी, आनंद, भव्या, बहुत बड़ा। आपको है ना फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा है कि सर 3x - x को अपॉन 1 - समथिंग, तो x इज इक्वल टू, आप ए टेन थीटा पुट कर लें, एक बार सॉल्व करके भी देख लूंगा मैं, तो आपको देख जाना चाहिए यहाँ से 10 बस 100, देखो यहाँ पर भी ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3 tan θ, बोर्ड में लिख देना है ये वाला स्टेप जो मैंने बताया ना आपको, 3 tan θ - 10³θ अपॉन 1 - 3 tan²θ, दिस विल बिकम ऑल्सो 10 ऑफ 3θ, और ये 10 tan कैंसल आउट, 3 tan θ। अब बच्चों मैं पूछता हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगर ये क्वेश्चन आया है y इज इक्वल टू समथिंग
और मैं डीवाई बाई डी एक्स आस करता हूँ, व्हाट द डीवाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आंसर मिल गया। आप 3 AM 3 आदर्श पारिता 3, क्या इसका 3 आंसर करेक्ट है? नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं। ये गलती हम बार बार कर देते, बार बार कर देते हैं, हो सकता है आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम आई, बता देता हूँ मैं। ये 3 इसका आंसर नहीं होगा, आप इसे चेंज करेंगे पहले x वाले फॉर्मेट में, तो दैट विल बी थीटा की वैल्यू 10 बस x है, और इसका अगर डेरिवेटिव करते तो 10 बस x। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी कोशिश की एक बच्चे ने, विनीत ने, उसका आंसर टाइप करने के लिए 1 अपॉन समथिंग 1 प्लस x स्क्वायर, 10 बस x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। गुड गुड, वेरी गुड, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। बाकी हमारा बोर्ड वाला काम यहाँ तक ही हो गया खत्म, जो आस्क करना चाह रहा था। उसके बाद आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट 10 बस ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट 2 sin बस ऑफ 1/2। आंसर बता डायरेक्टली, मुझे आंसर बता। आंसर क्या होगा इसका? फाइनली आंसर टाइप करें आप, 5/4। यस, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। 10 sin बस 1/2 दैट विल बिकम 5/6 मल्टीप्लाई टू सॉरी कॉस ऑफ 5/6 दैट विल बिकम 5/3 आ रहा है आपका, 5/4, 5/3, ऐसा कंफ्यूजिंग केस क्यों आपको? देखो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, 5/6 इसका मल्टीप्लाई 2 से हुआ है तो 5/3 हो गया, cos 5/3 की वैल्यू फिर से 1/2 मिलेगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा, 10 बस 1 की वैल्यू क्या होती है 5/4 होती है, 5/4 करेक्ट आंसर है, 5/3 नहीं आएगा 5/4 ही आएगा। हो सकता है cos 5/6 की वैल्यू आपने गलत पुट कर दी हो, 5/3 की वैल्यू गलत पुट कर दी हो, ऐसा होगा। ओके, तो फाइनल आंसर 5/4 मिलेगा। नेक्स्ट ओनली आंसर टाइप करें बस, cot ऑफ 10 बस a प्लस cot बस a 0, बिकॉज हमें पता है ये वैल्यू 5/2 होती है, cot ऑफ 5/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। टेन ऑफ 1/2 साइन बस 2x/1 + x² कॉस बस 1 - y² / 1 + y² ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हिंट बता देता हूँ मैं आपको भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये दिख रहा है आपको 2 10 बस x का फॉर्मूला है और ये भी 2 10 बस समथिंग का फॉर्मूला है, तो आप इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक्स को यहाँ पर लेट सपोज आपने थीटा पुट किया, तो यहाँ पर वाई को भी आप थीटा पुट मत करना, कोई अदर वेरिएबल में ले लें आप, और लेट सपोज वाई को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर 10 ऑफ 5, तो एक्स 10 थीटा हो गया, वाई 10 फाई हो गया। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 10 ऑफ 1/2। दिस फॉर्मूला विल बी यस साइन बस ऑफ समथिंग, तो 2 10 बस ऑफ, हाँ 2 10 बस ऑफ x, दिस इज ऑल्सो 2 10 बस ऑफ y। यस, हाँ कुछ बच्चों ने आंसर, ओके ओके, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है यही? यस, रिपीट करता हूँ मैं, एक्स इजिकल टू 10 थीटा पुट किया और वाई इजिकल टू 10 फाई पुट किया, तो आपको पता है देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 10 थीटा / 1 + 10 उसका थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, साइन साइन कैंसल आउट, 2 10 2 थीटा, थीटा विल बी 10 + x, 2 10 + x, सिमिलरली दिस विल बिकम 2 10 + y, 2 2 कॉमन लेके भगा दें इसको, तो 10 ऑफ 10 बस x + 10 बस ऑफ y। नाउ यू अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ 10 बस x + 10 बस y, तो योर फाइनल आंसर विल बी x + y / 1 - x², ये आएगा, ये आएगा, वेरी गुड, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + y / 1 - x². ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, कर सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको।
और पीडीएफ और लेक्चर का भी वर्क है ना, आसान तरीका वो हमें मिल गया। ओके नेक्स्ट फाइनल आंसर बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यस वेरी गुड, 1/5, 1/5, गुड गुड। आपको पता है साइन प्लस एक्स को इधर ले जाता हूँ, साइन प्लस वन बन जाएगा, और साइन प्लस वन की वैल्यू बच्चों पाई बाई टू होती है। साइन प्लस एक्स प्लस कॉस प्लस एक्स इजिकल टू पाई बाई टू होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने ही चाहिए, तो एक्स इजिकल टू 1/5। फाइनल आंसर एक्स इजिकल टू 1/5। टेन प्लस एक्स प्लस 10 प्लस वाई, किसी का डाउट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तभी सॉल्व करूंगा इसको। ये किसी किसी का डाउट है? इफ यस देन टाइप यस, अदरवाइज योर हैंड वॉट एवर। एक इंपॉर्टेंट बात यह है इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिलता है 10 बस ऑफ समथिंग प्लस 10 बस ऑफ समथिंग, तो इसमें ना दो वैल्यू मिलती है एक्स की। लेट सपोज फाइनल सॉल्यूशन में एक्स की टू वैल्यूज मिलती हैं, एक एक्स वन मिला और अनदर एक्स टू मिला, तो आप है ना अगेन एक्स वन और एक्स टू को इसमें पुट करके चेक करेंगे, बिकॉज इसका आरएचएस ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका एलएचएस भी ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। आरएचएस पॉजिटिव तो एलएचएस भी ऑलवेज पॉजिटिव मिलना चाहिए। मे बी पॉसिबल एक वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी पड़े, अगर टू वैल्यूज मिलती है तो हो सकता है एक वैल्यू आप उनमें से रिजेक्ट करनी पड़े, तो आप रिजेक्ट कर देना, राइट? तो इसके लिए आप है ना क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, जो भी आंसर आएंगे उसको क्रॉस चेक करें आप इसके लिए। ओके और मैं फिर से बता देता हूँ, गलती मत कर देना बच्चों, बोर्ड में है या किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। दो सॉल्यूशन ले लो, दो तो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करें, बहुत सॉल्यूशन ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप क्रॉस चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहां भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट रिप्लाई करें मुझे, आंसर टाइप करें डायरेक्ट। पाई बाय थ्री, एक बार बोर्ड पैटर्न बता देता हूँ आपको कैसे लिखेंगे इसको। आप इसको लिखेंगे साइन 2π/3 को पाई माइनस पाई बाय थ्री, बिकॉज 2π/3 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई पाई बाय टू, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सो दिस विल बिकम साइन पाई माइनस थीटा, इट विल बी ऑल्सो साइन थीटा, साइन थीटा थीटा विल बी कैंसल आउट, तो थीटा बचे और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? पाई बाय थ्री है, पॉजिटिव पाई बाय थ्री। ओके मुझे लगता है कुछ विद्यार्थियों ने मुझे टाइम पर ही फोकस कर देते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो है ना जो सिर्फ टाइम को टाइम पास के लिए आते हैं ना, वो चले जाएगा ना, कोई जरूरत थोड़ी क्लास में आप रहें, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता मैं तो। बहुत ही अच्छी अच्छी उम्मीद है आज सबसे, क्यों बोलता हूँ, आप टेस्ट 100% दो ऐसी भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप क्लास 100% अटेंड करो ऐसी भी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। हमारा विद्यार्थी क्लास में अगर 10% भी आ रहा है तो सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो 10% भी टिक पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रेशियो निकलता है। जेई के एग्जाम में देख लो आप, आपका 10 लाख अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से 1 लाख आपके पहले ही बस 1 लाख शॉर्ट लिस्ट होते हैं। हाँ वो 1 लाख ही है शॉर्ट लिस्ट जो होने वाले, पहले 1 लाख शॉर्ट लिस्ट होंगे जेई मेंस के लिए माने तो, और उनमें से भी उसका भी 10% निकाल लो तो वो एडवांस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो सेम रेशियो आप देख लो, 10% माना चाहते हो या अदर जो है ना भीड़ 90% पर जाना चाहते हो, आप जा सकते हैं। जिसको भी टाइम की प्रॉब्लम लग रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपका जा रहा है यहाँ पर, तो आप चले जाएं। हाँ बाकी आप जिनको अच्छा फील हो रहा है आप खुद फील करें, अगर इसका रिवीजन आप अगर आईटीएफ को करने बैठते हैं अभी, क्या खुद करके देखना, एक्सरसाइज होगी नहीं इतने शॉर्ट टाइम, 20 मिनट्स 30 मिनट्स हम पूरी एक्सरसाइज निपटा देते हैं विद कंसेप्ट, आप एक बार खुद रिविजन करके देखें तो यह पॉसिबल इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और ये 20 मिनट है ना आप खाने पीने में यूं ही निकाल दोगे, तो बेटर है शांति से क्लास लिया करें, टेस्ट पेपर के लिए बोले तो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया करें। और यहाँ पर हमें ना कोई बोर्ड, हमारा एक सिंगल टारगेट नहीं, एक बोर्ड ही आपको, क्योंकि ओनली पूरे साल भर हम बोर्ड पढ़ने वाले, टी20 और टी10 खेलते हैं, वनडे और टेस्ट मैच है ना वो अकेडमिक
तरीके से अलग वो स्टूडेंट खेलते हैं। हमें वनडे और टेस्ट मैच की प्रैक्टिस नहीं करनी, तो यहाँ पे T20 खेलते हैं, T20। और T20 पता है हम भी T20 की प्लेयर है, उसी के कोच हैं। और आप है ना, आप उस T20 के अच्छे से प्लेयर बन जाओ, आप T20 के अगर आपको कोच मिल रहे हैं तो उनको फॉलो करना सीख जाओ। बाकी ना उसमें भी बहुत सारे ऐसे आप जैसे फैक्टर मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को राय है कि वो उनसे डाइवर्ट ना हो, उनकी कमेंट से कोई हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हर जगह मिलते हैं हमें। और जूनियर में बता दो, टेस्ट है ना टेस्ट, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड तो हो गए, अभी देख रहा हूँ उसमें 100 और 100 प्लस स्टूडेंट शायद हो गई होगी, लेकिन अगर मुश्किल से बात करो तो मेरे पास कॉपी इतनी नहीं आई है जो उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उन उतनी कॉपीज मेरे पास रिसीव नहीं हुई है। फिर से आपकी अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ, जिनकी कॉपी मेल के थ्रू रिसीव हुई उनके पास मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू उनका रिजल्ट आप तक पहुंच जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उन तक नहीं पहुंचेगा। और ये बहुत ही अच्छा चांस है कि अभी इसको क्लियर कर लो, अभी नहीं करोगे तो बाद में जरूर कर देना तो पड़ेगा, बोर्ड का पेपर अभी नहीं देना पड़ेगा, बाद में जनवरी में देना पड़ेगा, और तब भी नहीं देना पड़ेगा तो बाद में, बाद मतलब समझ रहे ना, आफ्टर 2020 है, उसके बाद देना पड़ेगा। तो बेटर हम इसी साल कर लें ये सारी बातें, जिससे हमें अगली साल के लिए ये चीजें तो नहीं पढ़नी पड़े, एटलीस्ट कुछ नया, कुछ कॉलेज पढ़े, कुछ नए दोस्त, नया एनवायरमेंट मिले हमें। तो कॉलेज में अगर पहुंचना चाहते हैं और अच्छे टाइम के साथ में पहुंचना चाहते हैं, ऑन द टाइम है, तो ये सारी चीजें फॉलो कर लिया करें। ये डेली डेली इस पे ना लेक्चर देना मुझे और मतलब हर किसी टीचर को ना बिल्कुल फालतू का टाइम लगता है, इसमें से बोलते नहीं, हमारे सिर्फ काम का चीज पढ़ते हैं, 40 मिनट का एक तो लेक्चर है हमारा, आपको पता है 90 मिनट्स के लेक्चर में हम लोग, हमारा टाइम शॉर्ट हुआ था, 40 मिनट के लेक्चर में कैसे करना पड़ता है। T20 के बाद भी T10 पे आना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे फैक्टर है ना वो बीच में रोकते हैं, बीच में रोकते हैं, कभी विकेट लेके भागते हैं, कभी बैट लेके भागते हैं। ओके, मेल कर दे, उनके पास आ जाएगा, डोंट वरी रहे, आज जिन्होंने मेल किया उनके पास रिसीव हो जाएगा। टेलीग्राम में सेंड किए बच्चों, मैं बता रहा हूँ उनके पास रिजल्ट का मेल या मैसेज नहीं आ पाएगा, बिकॉज टेलीग्राम में बहुत सारा डेटा हो गया है, तो बार बार वो फिल्टर चेक करना। तो आपको सिंपल सा ऑप्शन है, आप मेल कर दें, जिन्होंने टेस्ट दिया वो भी मेल कर दें कॉपीज को। होमवर्क में बता देता हूँ, इसमें टाइम हो गया तो इस बात देख भी लें, होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज, इसमें मिसलिनियस की एक्सरसाइज गिवन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन है, इस एक्सरसाइज को जरूर आप कंप्लीट करें, इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट करें फर्स्ट ऑफ ऑल आप, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट कमिंग सेशन में ना इसकी एक्सरसाइज का मैं डिस्कशन लूंगा। और एक अच्छी बात यह है, जिनको ज्यादा हड़बड़ी हो रही है, ज्यादा हड़बड़ी हो रही है, और जिनको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ आ रहा है और मैं क्या फायदा, तो उनके लिए भी बहुत एक अच्छा टॉनिक दे रखा है इस एक्सरसाइज के लास्ट में मैंने, आपको जेई बेस्ड प्रॉब्लम गिवन कर रखी है मैंने। ओनली बस एक सिंगल क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने अपनी शीट का गिवन किया है यहाँ पर, और बस क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करें आप। अब एक क्वेश्चन दिन में तो हम कर ही सकते हैं, भले पार्ट अलग अलग है इसके, तो एक क्वेश्चन आप सिंगल सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें ना आपका कंप्लीट है ना, कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके रेंज डोमेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है और सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ओनली इसमें। इस कंसेप्ट की भी मैंने लास्ट में गिवन कर रखी है, और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मैसेज वगैरह कुछ भी करना है आप तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में और कोई फालतू की बातें नहीं करेगा, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड अलावा और कोई फालतू की बात नहीं मिलनी चाहिए, नहीं वो एग्जिट भी कर दिया जाएगा वहां से। ओके, माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी की क्वेरीज है तो आप बताएं मुझे। और जो बच्चा रेस्ट करना चाहते हैं ना, ब्रेक लेना चाहते हैं, उनके लिए छुट्टी है, वो ब्रेक ले सकते हैं 5-10 मिनट का भी। यस, आप अलाउ टू टॉक हैं, जिसका भी कोई क्वेरी हो आस्क कर सकते हैं। एक बार मैं मेल आईडी ना वापस से टाइप कर देता हूँ, बाकी आपको मिल गए थे उसमें भी मिल गई थी मेल आईडी, IIT JEE सॉल्यूशंस। ठीक है, @gmail.com।
हेलो, यस इसको कैसे ऑन करेंगे, मतलब टेलीग्राम की इसको मतलब इसे ऑन करेंगे मतलब आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। लैपटॉप पे भी हो हाँ जाएगा बिल्कुल ना? होता है, बिल्कुल हो जाता है, लैपटॉप भी हो जाता है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी बच्चे क्वेरी? अच्छा, और परमिश करके मेल करना एक बार, वापस देख बार। मिल गई होगी ना बच्चों मेल आईडी आपको, किसी बा नहीं यस मिली हाँ सर। किसी बालक ने सेंड कर दिया। ओके, तो मिलते हैं कमिंग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये होमवर्क कंप्लीट करके आए? यस। अच्छा, अभी भी नहीं मिली, एक बार फिर से टाइप करता हूँ।